has become popular now. Ricky! मैं एक नकली जिंदगी जी रहा हूँ। मानता हूँ कि जब परमैन बन जाता हूँ तो लोग मुझे बहुत प्यार और सम्मान देते हैं, पर मित्सुओ बनते ही मैं वो सारा प्यार और इज्जत खो देता हूँ। काश मित्सुओ के रूप में भी मुझे इतनी ही प्रशंसा और प्यार मिलता। अगर जल्द ही ऐसा कुछ नहीं हुआ तो मैं परमैन भी नहीं बनना चाहता। तारीख 12। ओहो, कितना लिखता हूँ मैं, थकता ही नहीं। ये मेरी पर्सनल डायरी है, इसे पढ़ते हुए शर्म नहीं आती? देखो, तुम्हारे मन की बात जानने के लिए मुझे इसे पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारा रोबोट हूँ, सब जानता हूँ। ये भी सही है। वैसे दोस्त, कभी कभी मुझे भी यही लगता है कि परमैन के सामने हम कुछ भी नहीं है, हमारी कोई वैल्यू ही नहीं है, हम क्या करें? बस बहुत हो गया, अब और सहन नहीं होता, अब तो मुझे अपने अंदर की खूबियां बाहर लानी होगी। देखो, ज्यादा जोश में होश मत खो बैठना। तो मैं क्या करूं? हाँ देखो, तुम्हें खुद को बदलना होगा। और ये कैसे मुमकिन है? मुमकिन क्यों नहीं है, तुम्हें एक ऐसा इंसान बनना होगा जो किसी चैलेंज से कभी नहीं घबराता और मेहनत करने से पीछे नहीं हटता। मतलब मैं कोई और बन जाऊं? अगर तुम ऐसा कर पाए ना तो सब लोग तुम्हें भी प्यार और सम्मान की नज़र से देखेंगे, फिर मित्सुओ की भी एक पहचान होगी, अपनी अलग पहचान, मित्सुओ। हाँ सही कहा, वैसे मानना पड़ेगा तुम बहुत समझदार हो, अब मैं यही करूँगा। देखते जाओ अब मैं क्या करता हूँ। चलो मित्सुओ, तुम्हारी बारी है। जी सर। मित्सुओ, तुम तो एकदम निकम्मे हो। जू चले जाओ, वहीं के लिए फिट हो तुम। रहने दो। नहीं सर, एक और चांस दीजिए, मैं इस बार जरूर करके दिखाऊंगा। अरे अचानक से मित्सुओ को क्या हो गया? मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इसमें इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई कबाऊ। हाँ मैं कर सकता हूँ। बस करो बच्चों, आज के लिए इतना काफी है। आज तो हमने बाकी बहुत पढ़ाई कर ली। वैसे कबाव, अगर हम ऐसे ही पढ़ते रहे तो एक दिन हम जरूर जीनियस बन जाएंगे, है ना? मित्सुओ, एक मिनट सर, मुझे और पढ़ाई करनी है, बस थोड़ी देर। शाबाश मित्सुओ, यकीन नहीं होता कि तुम पहले वाले मित्सुओ हो। ओए! चलो मित्सुओ, बेसबॉल का मैच हो जाए। नहीं आज नहीं दोस्तों, मुझे घर जाकर होमवर्क करना है और मम्मी की मदद भी करनी है, इसलिए आज नहीं कल, ओके? ये तुम कह रहे हो? अरे वाह मित्सुओ, ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम तो बहुत समझदार हो गए हो, अब इन लड़कों की बातों में बिल्कुल मत आना। हाँ क्या मित्सुओ, हम कहते बुरे हैं। हाँ और तुम अच्छाई के रास्ते पर ही चलना, चाहे कोई साथ दे ना दे, है ना? क्या बात है, चलो मिचिको, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। ओह मित्सुओ, तुम कितने अच्छे हो। अरे ये तो मेरा फर्ज है, जेंटलमैन होने के लिए सिर्फ शरीर से तगड़ा होना जरूरी नहीं होता। तुम मुझे ताना मार रहे हो मिचिको। बेचारा कबाओ, लगता है मुझे तुम्हें छोड़कर अब मिचिको को अपना गुरु बनाना होगा। हाँ क्या कहा, मैं परमैन बन जाऊँ? हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम परमैन बनकर कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर करोगे और इधर मैं सबकी नज़र में अच्छा बनता जाऊँगा। मित्सुओ, बाजार से सब्जी ला दो। जी मम्मी। अरे ये क्या परमैन के लिए बुलावा है, जाओ जल्दी जाओ। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा, चलता हूँ। मैं समझ गया कांको, तुम्हें मेरी प्लेट चाहिए ना, ये लो रख लो। मित्सुओ तुम कितने अच्छे हो। ये मित्सुओ इतना अच्छा कैसे हो गया? अच्छा कबाओ, जरा ये तो बताओ कि तुम्हारी पेन फ्रेंड ने तुम्हें रिप्लाई भेजा कि नहीं? हाँ भेज तो दिया। गुड मॉर्निंग दोस्तों। क्या बात है, सचमुच इसका जवाब नहीं है? हाँ, ये तो पहले से भी बहुत अच्छा हो गया, मुझे ये बहुत पसंद है। हाँ?
मुझे तो ये शुरू से ही बहुत अच्छा लगता है। बस बस दोस्तों, अब इतना भी मत चढ़ाओ मुझे, ये तो बस शुरुआत है। इतना चढ़ाओगे तो मैं आगे कुछ नहीं कर पाऊँगा। बस आगे आगे देखो मैं क्या कहना मैं दिखाता हूँ। तुमने हमसे कुछ कहा क्या? तुम्हें कुछ नहीं मालूम, हम तो परमैन की बात कर रहे थे। परमैन? परमैन ने ऐसे जंगली घोड़ों को चुटकी में काबू कर लिया जो पूरे शहर में हंगामा मचा रहे थे। परमैन ने मछुआरों से भरी एक नाव को डूबने से बचाया। परमैन ने तेजी से उड़ते हुए दो जेट प्लेन्स को क्रैश होने से बचाया। अरे देखा, क्या क्या कर रहा है की बात। एक ही दिन में परमैन ने इतना कुछ कर दिखाया। हाँ, और इसीलिए तो हम कह रहे थे कि परमैन पहले से भी ज्यादा अच्छा हो गया है। कुछ नहीं समझते, कुछ भी नहीं। मैं चाह रहा था कि इस वक्त परमैन से ज्यादा मित्रों की पॉपुलैरिटी बढ़े, पर सब उल्टा हो गया। तो हम पर क्यों भड़क रहे हो तुम? नहीं देखो, चाहे कुछ भी हो जाए पर मैं मित्सुओ बनकर ही पॉपुलर होना चाहता हूँ, परमैन बनकर नहीं। इतना गुस्सा ठीक नहीं। सही कहा, हमेशा ही सही बोलता हूँ मैं। दोस्तों मुझे लगता है हमें इसकी मदद करनी चाहिए। बिल्कुल, तुम लोग सच कह रहे हो। तुम मेरे सच्चे दोस्त हो। प्लीज प्लीज मेरी मदद करो। प्लीज प्लीज, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ। नो प्रॉब्लम, लेकिन तुम्हें भी हम पर पूरा भरोसा करना होगा। दोस्तों मुझे ये जोकर बनाकर क्यों लाए हो तुम सब? जो कहा था ना, हम पर भरोसा रखो। देखा, इसी बहाने तुम्हें भी थोड़ी देर के लिए फैन से छुटकारा मिल गया। पर मैंने ऐसा क्यों कहा था? ये तो हमारा हीरो नहीं है, मारो इसे। मारो, अरे मांगी थी पॉपुलैरिटी, मिल गई धुलाई। ये तो बहुत परेशान लग रहा है, शायद इसकी कुछ ज्यादा ही धुलाई हो गई। हम तो बस ये दिखाना चाहते थे कि पॉपुलर होने के बाद क्या क्या झेलना पड़ता है। लेकिन मुझे झूठी पॉपुलैरिटी नहीं चाहिए, समझी? मित्सुओ को ये गिफ्ट देकर गया है। गिफ्ट देकर गया है? सारे परमैंस को मेरा हेलो, आपके कारनामों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर से वही, दफा हो जाओ और ऐसे गिफ्ट मेरे लिए कभी मत लाना। मित्सुओ खुद को संभालो, आखिर तुम एक परमैन भी तो हो। हाँ, ऐसी हरकतें मत किया करो। हाँ सही कहा। बर्डमैन? वेल, बेहतर होगा तुम अपना परमैन सेट लौटा दो। जी बर्डमैन, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। देखो तुम मित्सुओ के रूप में अच्छा बनने की कोशिश में हद से आगे बढ़ते जा रहे हो, जो गलत है। कभी सोचा है तुमने कि तुम जैसे लड़के को मैंने परमैन क्यों चुना, उसके पीछे क्या रीजन था, कभी जानने की कोशिश की है? क्या क्या रीजन था बर्डमैन? कुछ नहीं, बाय चांस तुम मिल गए। वैसे परमैन के रूप में तुम अपनी असली पहचान छिपाकर काफी अच्छा काम कर रहे हो, पर एक सच ये भी है कि कोई सपने में भी नहीं सोचेगा कि मित्सुओ ही परमैन है। इसीलिए परमैन बनकर खुश रहो। चलो अब मैं चलता हूँ। अरे हाँ, मैं समझ गया। अगर मैंने नंबर वन बनने की कोशिश की तो लोगों को शक हो जाएगा कि मैं नंबर वन परमैन हूँ, और फिर मैं ही मुसीबत में फंस जाऊंगा। बल्कि ये कितना अच्छा है कि जब चाहो नंबर वन यानी परमैन बन जाओ, और जब मन करे तो मित्सुओ की तरह सीधा साधा आम लड़का। कितनी अजीब सी लॉजिक है। तभी तो ये मित्सुओ है। हे गांको, मुझे माफ कर देना। देखो मैं तुम्हारे साथ गिफ्ट शेयर करने आया हूँ। अच्छा, मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू परमैन। हाँ वैसे तुम्हें मेरा भी थैंक्स कहना चाहिए, पर ये है तो परमैन का ही गिफ्ट। अरे तो परमैन भी तो मैं ही बोलू तो भी फंसू, ना बोलू तो भी फंसू, करूँ तो क्या करूँ? मिच्छू, तुम एक पल में हंसने लगते हो और अचानक दुखी हो जाते हो, परमैन से कुछ सीखते क्यों नहीं?